सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मुहैया करवाया जाना चाहिए। परंतु बहुत ही अफसोस की बात है कि इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने के 6 वर्ष बाद भी वाराणसी जनपद के धरसौना गांव में एक भी हैंडपंप ना होने से कन्हैया सहित कुल 150 लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी जो है की सड़क से ले आते हैं लोग, जो है और जो वो बिगड़ जाता है तो फिर हम लोग जाते हैं जो है भवानीपुर से ले आते हैं। वो कितना दूर पड़ता होगा यहाँ से? 400 मीटर है। नहाने धोने के लिए जो है की समस्या हो जाती है, नहीं मिलता है पानी। आप लोग पानी लेने कहाँ जाती हैं? वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर बाबा, अम्बेडकर बाबा वहाँ से पानी धो धो के आवत। जब यहाँ पानिया न मिली तो हमने पिया कहाँ से? वहाँ जाब न तो कौन अगल बगल कुआ बा, किनारा बा, कि चापा कल बा, कि कहाँ से पिए जाए? हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को पानी की जरूरत है तो इतने जाते हैं रोड पर या स्कूल पर पानी के लिए। पहले रास्ता नहीं है, उसके बाद जो बारिश जब होती है तो रास्ता में पानी, जैसे जाते ही पानी रुक जाता है तो उसी कचड़े में से हम लोग जाते हैं सड़क पर पानी लेने। वहाँ पर भी अगर ज़्यादा भीड़ रहती है, 10-5 मिनट खड़े रहते हैं तो पानी मिलता है, नहीं मिलता तो वापस चले आते हैं घर। इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी से की थी? ग्राम प्रधान, जिला परिषद, विधायक, एमपी, सब सारे लोगों से कहा था दबा। क्या सारे लोगों ने क्या जवाब दिया? कि अच्छा भाई हम लगवा देंगे। जो सिगरा पर जो जनिगम हेड ऑफिस है जो है वहाँ भी कहे तो वहाँ लोग जो है 15-15 हज़ार रुपया लोग मांग रहे हैं कि 15 हज़ार रुपया दीजिए जो है कि तब हम आपको जो है देंगे। क्या तो चाहते हैं चाचा आप? अब जो चाहते हैं कि जो है कि अगर एक तो हैंडपम्प ये पीछे में लग जाए इधर जो है ना, हाँ। तो ये इधर की समस्या सबकी दूर हो जाएगी। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग चोलापुर के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-15-30-75-79 पे कॉल करके दबाव बनाएं ताकि लोगों की परेशानियाँ दूर हो सके। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।